हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीएन मान से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आ रहे एग्जाम में उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो में हम पीएच मान की बेसिक चीजें आपको बताएंगे। पीएच मान क्या होता है, कैसे क्या रहता है, अम्लीय क्षार और उदासीन जो चीजें होती है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही जिन जिन चीजों के आपके पीएच मान पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से काफी सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पूरे यहाँ से पता चल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएच मान होता क्या है। पीएच मान यानी पावर, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप नोट डाउन कीजिएगा पीएच मान का फुल फॉर्म। ये मान जो होता है एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान जो होता है हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। pH-log10H+ ये होता है। और pH मान का जो पता लगाया था यह सोरेंस ने लगाया था, ध्यान रखिएगा इनका नाम। किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं pH मान के लक्षण के बारे में, ध्यान रखिएगा। देखिए, पीएच मान के जो लक्षण होते हैं ये भी काफी चीजें इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ताप के बढ़ने पर पीएच का जो मान होता है ये घट जाता है, ध्यान रखिएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएच मान घटने लगता है। इसी तरह पीएच का जो मान होता है 0 से 14 के बीच में होता है। पीएच जो मान होता है ये या पावर ऑफ हाइड्रोजन ये 0 से 14 के बीच में होता है। इसी तरह जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम है, यानी जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिनका 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं, और जिनका मान बराबर 7 होता है वे उदासीन होते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 से बराबर 7 ही रहता है तो वो उदासीन कहलाता है। आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिये, पीएच जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार इनके, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो उनको अम्लीय बोली जाता है, 7 से अधिक होती है तो उसको क्षारी कहते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीएच मान की, कि कौन से विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए, जल का अगर आपसे पूछा जाए कि जल का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू 7 बराबर होता है, और ये क्या है, ये एक उदासीन है, उदासीन है, ध्यान रखिए। जिसका बराबर 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से अधिक होता है क्षारी होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। तो दूध की पूछा जाए कि दूध का पीएच मान क्या है, तो दूध का पीएच वैल्यू 6.4 है, और 6.4 ये है तो ये क्या होगी, आपकी अम्लीय हो जाएगी। तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है और अम्लीय है। सिरके का पीएच मान कितना है, सिरके का पीएच मान 3 होता है, ये भी आपका अम्लीय है। नेक्स्ट है आपका मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 पर होता है मानव रक्त का पीएच मान, और ये क्या है, तो फिर ये आपका क्षारी रहेगा। नेक्स्ट है नींबू का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है नींबू के रस का पीएच मान, तो ये आपका अम्ली हो जाएगी। इसी तरह NaCl, NaCl का पीएच जो मान होता है ये 7 होता है, तो नमक का पीएच मान बेसिकली ये है 7 होता है, तो ये आपका बराबर उदासीन रहेगा क्योंकि बराबर ये 7 होता है। इसी तरह पीएच मान का जो पता लगाया था किसने लगाया था, सोरेंस ने लगाया था, ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, तो किसी घोल का अम्लीय क्षारी होना ये पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, गाइस अम्लीय जो होता है ये इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन जो घोल होता है इसका पीएच मान बराबर 7 होता है, और क्षारी जो होता है इसका 7 से अधिक होता है। तो शराब का पीएच मान कितना है, 2.8 है शराब का, तो ये आपका अम्लीय रहेगा। इसी तरह किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, 0.2। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है, ये क्षारीय आपका होता है। नेक्स्ट है आपका कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू का 7.4 होता है, ये भी आपका क्षारीय रहेगा। साथ ही मानव लार की पूछा जाए कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच में ये होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच मान 0 होता है, HCl का पीएच मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम होता है। नेक्स्ट है बैटरी यानी एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं, तो H2SO4 का पीएच मान पूछा जाए, पीएच वैल्यू पूछी जाए,
एक इसकी पीएच वैल्यू होती है। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 इसका पीएच मान होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है, तो ये आपका अम्ली ही होता है, ये सभी अम्ली है जिनका 7 से कम है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, ये भी अम्ली है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है, तो ये भी आपका अम्ली होता है। इसी तरह एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.0 होता है, और 5.0 के आसपास होता है, यानी ये भी आपका अम्ली होता है। साथ ही रोटी का पूछा जाए कि रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 के बीच में होता है, ये भी आपका अम्ली होता है। लाल मांस जो होता है इसका पीएच मान 5.4 से 6.2 के बीच में होता है, ये भी आपका अम्ली है। चारेदार पनीर का जो पीएच मान होता है 5.9 होता है, ये भी आपका अम्ली होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है, और ये भी आपका अम्ली होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8 के बीच में, तो ये भी आपका 7 से कम है, तो अम्ली आपका रहेगा। शैंपू का पीएच मान 7 से 10 के बीच में होता है, वैसे 7 से 10 के बीच में होता है, 7 अगर होता है तो ये आपका अम्ली होता है, और 7 से ज्यादा हो जाता है तो ये आपका क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है। 7 से और 7 ही रहता है तो आपका उदासीन रहता है, 7 से कम होने पर अम्ली होता है, 7 से अधिक होने पर ये क्षारीय हो जाता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान 8.3 होता है, जो कि क्षारी होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है? 9.4 होता है, ये क्षारी प्रकृति का होता है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान 10.5 क्षारी होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है, जो कि क्षारी प्रकृति का होता है। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान 11.5 से 14 तक होता है इसका, तो इसका आपका क्षारी प्रकृति करेगा। लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। लाई का पूछा जाए तो लाई का पीएच मान 13 होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का रहेगा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का पीएच मान तो ये 14 होता है, ये भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। गैस काफी अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया कि अगर 7 से कम रहता है तो ये अम्ली होता है, अम्ली होता है, और 7 ही बराबर रहता है तो ये आपका उदासीन रहता है, और 7 से ज्यादा रहता है, 7 से प्लस रहता है, तो ये आपका क्षारी प्रकृति का होता है विलयन। तो इसमें आप आसानी से कवर कर सकते हैं कि अगर किसी का विलयन यानी जल का पीएच मान 7.4 है, ऐसे करके एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर इसका 7.4 है तो ये अम्ली होगा या क्षारी होगा, इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारी रहेगा, और 7 से कम है तो वो आपका अम्ली रहेगा, बराबर 7 होने पर उदासीन रहेगा। ये तीन चीजें यहाँ से याद रख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो आपसे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इनकी पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका नमक की पीएच वैल्यू क्या है, तो वो ये सारी चीजें तो आपको याद ही रखनी होगी, क्योंकि ऐसे तो इनको आप कोई ट्रिक नहीं है जिनसे आप याद रख पाए, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाकर, या फिर आप इनको कुछ और ट्रिक है आपके पास उससे भी याद रख सकते हैं सभी का पीएच मान, क्योंकि पीएच मान ज्यादातर पूछा जा रहा है। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आए। आज के इस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।